दोस्तों नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये कुंदा का प्लांट है। ये देखिए, इसको स्टार जैस्मिन भी कहा जाता है और इसकी बहुत अच्छी हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू भी होती है। ये देखिए मेरे प्लांट को देखिए, पूरी कलियों से भरी हुई है और बहुत सारे फूल भी खिले हैं। जब ये प्लांट पूरी ब्लूम पर होगी तो इसको देखने लायक होगा। ये देखिए, ये एक पेरिनियल प्लांट है। साल में दो बार ये फूल देता है, एक तो मार्च अप्रैल में इसमें फूल आता है और फिर सितंबर नवंबर में आता है। मेरे यहाँ तो अभी दिसंबर में आया हुआ है, क्योंकि इसकी जो क्लाइमेट है वो होती है, क्लाइमेट में थोड़ी सी गर्माहट होनी चाहिए और मतलब कि ज़्यादा गर्मी नहीं और ज़्यादा ठंडा नहीं, तभी ये ब्लूमिंग करता है। ये देखिए, इसकी मैंने कटिंग भी कर ली थी और उसके बाद ये रिजल्ट निकला हुआ है। और इसकी सॉयल की बात करें तो पोरस सॉयल होनी चाहिए और मिट्टी में वैसे तो काऊ डंग ही बहुत अच्छा होता है, पर आप कोई भी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट या गोबर का खाद कुछ भी इसमें दे सकते हैं और इसकी इतनी कोई ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। ये मैंने इसे एक महीने पहले ही, एक या दो महीने हो गए होंगे सॉलिड खाद देते हुए, और इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है, आप उसे विजिट करके देख सकते हैं। और फिर इसमें मैंने दो बार लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड किया है जब भी मैं सेवंती के ऊपर देती हूँ तो। और ये देखिए, ये फूल खिल चुका है तो यहाँ पर ये इसको हमें तोड़ देना चाहिए। ये देखिए मैंने तोड़ ली है और इससे क्या होता है कि नीचे नीचे से फिर ब्रांचेस निकलती आती है और उनमें कलियाँ आती है। ये देखिए कहाँ कहाँ से आई है, मतलब कि हर नोड एरिया में इनकी कलियाँ आती है। ये एक सेमी वाइन का प्लांट है। सेमी वाइन का मतलब देखिए, ये हिस्सा अगर मैं नहीं काटती तो ये और भी लंबा हुआ था, तो मैंने इसको कट कर दिया यहाँ से, तो वरना ये और भी लंबा हो जाता। कहीं भी आप सहारा देके इसको ऊपर तक चढ़ा सकते हैं। और इसकी एक और भी वैरायटी है, ये एक हाइब्रिड वैरायटी है। ये देखिए इसके फूल देखिए कितनी खूबसूरत है। तो ये हाइब्रिड वैरायटी का है, और भी एक है मेरे पास देसी वैरायटी का, जिनमें कलियाँ पूरी वाइट आती है, इनमें थोड़ी सी रेडिश कलर आती है। ये देखिए पीछे से ये कलियाँ देखिए, ये रेड रेड कलियाँ आती है। तो इसकी पूरी धूप चाहिए। लोकेशन की बात करें तो दिन में 6 घंटे से 8 घंटे का धूप अगर मिलेगा तो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके यहाँ इतना धूप नहीं है तो दिन में 4 घंटे का धूप तो चाहिए ही चाहिए। और पानी, जब उन इसकी मिट्टी, गमले की मिट्टी सूखी हो तभी देनी चाहिए। ये देखिए मेरे पास और भी एक है, यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखिए, ये देसी वैरायटी का है। ये देखिए इनकी कलियाँ आ रही हैं यहाँ। ये देखिए थोड़ी सी सफ़ेद आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ी सी सफ़ेद ही आएंगी, बिल्कुल सफ़ेद इतने फूल आएंगे इनमें। इस प्लांट को मैंने पिछले साल ही ऐड किया था, कटिंग से ग्रो किया था और ये बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने इसको काट लिया। ये देखिए मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और रूट प्रूनिंग भी कर दी थी। तो ये प्लांट की रूट प्रूनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इसकी रूट बाउंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए कितने सारे रूट बाहर निकले हुए हैं। मैंने इसकी रूट प्रूनिंग भी की थी और हार्ड प्रूनिंग भी, ऊपर से हार्ड प्रूनिंग भी की थी, तो फिर 6 महीने भी नहीं हुए होंगे और रूट कितने आ गए होंगे। मतलब इसको अगर थोड़ी सी बड़ा पॉट देते हैं, मतलब 14 इंच का पॉट इसके लिए सही रहेगा। 14 इंच का पॉट अगर आप देते हैं तो साल में एक बार आपको प्रूनिंग करनी पड़ेगी इसकी रूट की। और अगर आप 10 से 12 इंच का पॉट देते हैं तो ये 12 इंच का पॉट है। ये देखिए
12 इंच का पॉट है और इसमें इतनी जल्दी रोटिंग हो रही है, तो इस बार इसमें फूल आने के बाद मैं फिर मार्च महीने में इसकी रूट प्रूनिंग फिर से कर दूंगी, तो प्लांट अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो कुंदा प्लांट के ऊपर, और अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो ज़रूर इसको ऐड करें और ढेरों सारे ब्लूमिंग ले आप। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो कुंदा प्लांट के ऊपर। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।